मैं आपका सारा ब्लॉग देखता हूँ। ओह थैंक यू सो मच। क्या नाम है? असीम। कहाँ घर है? इधर ही। दानिश। आई एम दानिश। ऐसा मत कोई हो सकता है क्या? आई एम दानिश। टाइम के समय असल में पैसा छह पैसा अच्छा दे मलाई को देता हूँ। कितना पैसा है? 10 लाख दे दो मुझे। सच में क्या निकालो? बाप रे गन के गिनती करके दिखाओ कितना है। बाप रे। तो गाइज मैं फिलहाल अपना डिस्प्ले बुक को मिलाऊंगा और जिसमें बहुत सारे स्केच जो है वो बिखरा पड़ा है, तो मैं सेलिब्रिटी का स्केच जो है मैं एक डिस्प्ले बुक में रखने की कोशिश करूंगा। और मैं गांव गया था तो ये सारे पेंटिंग लेकर गया था जिसमें सारे स्केच बिखर पड़ा है। देखो ये दो डिस्प्ले बुक और भी है बट ये दो जो है ना ये लेटेस्ट है और पुराना वाला तो अभी सब पैक करके रखे हैं। तो मैं इन दोनों डिस्प्ले बुक को मिलाना चाहूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वाला स्केच ना मैंने 2021 में बनाया था। यहाँ पर देखो ये यो हनी सिंह का 2021 यानी कि अभी 24 है तो 3 साल पहले ही बनाया था। इतना खूबसूरत स्केच, खुद का स्केच का खुद तारीफ कर रहा हूँ। और ये वाला ना गाइस बहुत पुराना है, शाहिद कपूर का। मुझे लगता है इस स्केच का 5 साल भी हो चुका होगा। शुरू में ही बनाया था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आर्ट वाला। ये भी काफी पुराना है। ये देखो कितना अच्छा डिटेलिंग है इसमें। एंड गाइस ये रहा मनोज डे का स्केच। यहाँ पर देखो काफी ज्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है। मैंने सोचा था इनका स्केच बनाकर उनसे मिल लूंगा बट उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। गाइस ये देखो कॉलर वाला कितना ज्यादा खूबसूरत है भाई साहब। देखो कैसे बिखरा पड़ा है। ये भी कलर वाला, ये प्रियंका चोपड़ा देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये भी एक कलर वाला अच्छा है। और ये मेरे कुछ स्मॉल साइजेस स्केच। यहाँ पर देखो ये रहा मनीषा कोयराला। ये मैंने ऐसे ही बच्चों के लिए बना दिया था। तो बनाने के लिए मैंने शायद सॉफ्ट पेस्टल को यूज किया था। ये वाला देखो गाइज कितना ज्यादा खूबसूरत है। इसको बनाने के लिए मैंने बस चारकोल पाउडर रख दिया और जिसे मैंने पूरा पेपर को ना ब्लैक कर दिया और ऊपर से मैंने इरेज कर दिया। और देखो अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पे ना इस वाले रील पे ना अच्छा खासा व्यू भी आया है इंस्टाग्राम पे। ये सीखा भाई, ये बहुत पतला पेपर है, प्रिंट वाला पेपर। प्रीति पासवान, ये सिंपल खेल का बनाया था। ये देखो भाई साहब मिनी स्केच विराट कोहली का, खूबसूरत है ना। ये स्केच तो दिल का बहुत ज़्यादा करीब है। जीर हुसैन का, ये ना मैंने एक यूट्यूबर का बनाया था। और गाइस ये देखो रोनाल्डो भाई साहब, कितना डिटेलिंग मैंने इसमें करी है। इसको बनाने में ना मुझे 1 हफ्ता जितना लग गया था। कोई सब्सक्राइबर है। तो गाइस ये वाला स्केच ना एक पेड वर्क है और ये स्केच मुझे ना यूएसए से ऑर्डर मिला था और जिसको ना मुझे $100 मिल गया था। पैसा ही पैसा। और देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत मैंने बनाया हूँ। तो मैं इसको भी यहाँ से निकाल दूँगा क्योंकि इसका यहाँ पर काम नहीं है। मैं इसको भी कभी ना कभी अमेरिका डिलीवरी करने वाला हूँ, कुरियर कर दूंगा। तो गाइस इसमें से ना मैंने कुछ इतना सारा स्केच खाली कर दिया और भी इसमें है ही। इसमें मैंने कुछ स्केच छोड़ दिया हूँ और यहाँ से भी मैं कुछ स्केच को कलेक्ट करूँगा और इसमें ऐड कर दूंगा। चलो मैं इस वाले डिस्प्ले बुक को खोल के देखता हूँ। और ये वाला डिस्प्ले बुक ना इनसे थोड़ा पुराना है। ये नेपाली सेलिब्रिटी प्रियंका कार्की का बनाया था। ये वाला स्केच भी मेरा वायरल हुआ था। तो गाइज ये वाले डिस्प्ले बुक से भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी का स्केच कलेक्ट किया। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसको बंद करते हैं। यहाँ पर देखो अरिजीत सिंह पास आके थोड़ा दिखा दो। और ये रहा कार्तिक आर्यन। अरिजीत सिंह का ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है मुझे ना, स्पेशली ना मुझे ना अरिजीत सिंह का ये ड्रेस वाओ बहुत अच्छा लगा। ये कार्तिक आर्यन थोड़ा डार्क हो गया है बट ठीक है। और ये सुशांत सिंह। और ये एक नेपाली सेलिब्रिटी है पौलसा, ये भी नेपाली सेलिब्रिटी है। सौगत मल दीपिका पाडुकोण। और ये भी एक नेपाली सेलिब्रिटी है राजेश हमाल। और ये रहा हम सब का नेशनल क्रश रश्मिका मंदना। और गाइज ये ना टोनी स्टार्क है, हमने मार्वल कॉमिक्स में देखा होगा आयरन मैन का कैरेक्टर। और गाइज ये ना अल्लू अर्जुन, ये ना मैंने बहुत पहले बनाया था फिर भी देखो गाइज इतना ज्यादा रियलिस्टिक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली। और इसमें ना अच्छा खासा व्यू भी आया है मेरा आर्ट वाले चैनल। तो चलो मैं सारे सेलिब्रिटी को ना इस वाले डिस्प्ले बुक में एड कर दूंगा। तो गाइज मैंने अपना डिस्प्ले बुक मिला लिया हूँ और ये वाले डिस्प्ले बुक में मैंने लगभग सेलिब्रिटी का स्केच कलेक्ट किया हूँ। और इसको मिलाने में ना मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया, मुझे लगता है 1-2 घंटा तो इसमें लग गया होगा। तो गाइज आज ना मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर आकर वीडियो बना रहा हूँ और काफी दिन हो गया, लगभग 2 हफ्ते से ना मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ और थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया था। तो काफी दिनों बाद आज घर से बाहर निकला और बाहर का माहौल बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है। धूप बहुत ज्यादा है और अभी टाइम हो चुका है 4, फिर भी ना गर्मी जैसा फील हो रहा है। मेरा ना अभी ट्यूशन का टाइम भी हो चुका है तो मुझे ना ट्यूशन भी जाना होगा।
तो चलो हम चलते हैं, देखते हैं बाकी सब ठीक है। तो गाइस यहाँ की ये है मेन हाईवे रोड देखो, और मुझे ना यहाँ जाना होगा ये वाले गली में। गुड मॉर्निंग सर। सो गाइस पीछे ना एक शॉप था जहाँ से मैंने ये खरीदा, अभी थोड़ा बहुत मुझे भूख लगा है। और यहाँ पर देखो यहाँ के लोग खेतों में काम कर रहा है। तो गाइस मुझे पता है मैं कुछ ही दिनों से रेगुलर नहीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शुरू शुरू में ना अश्विन कितने में पढ़ते हो? ये भी मेरा ब्लॉग रेगुलर देखता है। तो गाइस मैं फिलहाल आ चुका हूँ यहाँ पर, मेरा ट्यूशन का टाइम हो चुका है, तो आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड कर देना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप भी रेगुलर वीडियो देखना ठीक है। थैंक यू। मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है ना यहीं के है, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, जब भी यहाँ पर मैं आता हूँ तो किसी न किसी से भेंट तो हो ही जाता है।